here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Hello everyone, welcome back to the channel KT95 Vlog. I hope you all are good and well. So आज मैं निकल रहा हूँ चुंगथांग से, क्योंकि मेरा उधर नामची में थोड़ा काम है ना, इसलिए तो जाना पड़ रहा है. मैं नामची तो नहीं पहुँचूँगा आज. आज जाके यहाँ जो जंगू है ना, जंगू में ठहरेंगे. वहाँ पे आंटी से थोड़ा मिलना है ना, बहुत अरसा हुआ ना मिले हुए, इसलिए वहाँ पे जाके ठहरेंगे और कल नामची के लिए निकलेंगे. सो आज के ब्लॉग में क्या कुछ होता है दिखाता हूँ. सो वीडियो में आखिर तक रहिए. सो मिलते हैं ब्लॉग में, लेट्स गो. तो दिल थाम के बैठी है, अभी एक आप लोगों को एक मीठा सा धुन सुनाने जा रहा हूँ. ये देख रहे हैं ना नीचे, ये जो इधर ड्राइवर एसोसिएशन है ना यहाँ का लोकल, वही लोग बनाया है. थैंक्स टू ऑल ड्राइवर एसोसिएशन ये ब्रिज बनाने के लिए, क्योंकि ये ब्रिज की वजह से ना बहुत टाइम बचता है. इतना मेहनत किया हुआ था ना इसका, इसने ये देखो. ब्रिज देखो, ब्रिज बस एक बाकी रहा, एक साइड का बाकी रह गया. ओ शिट शिट शिट, थैंक गॉड कल रात को बारिश नहीं हुआ, नहीं तो ये तो और चॉकलेटी हो जाता ना ये रास्ता, तो एकदम चॉकलेटी वाला रास्ता है. ये ब्रिज ना आधा ही बच गए यहाँ से, तो और खतरनाक दिख रहा है नीचे का रास्ता का. ये मेरा थोड़ा साइड से देखता हूँ, ये लो नीचे नागा यही है. मंगन बाजार यही है. वाह क्या अच्छा धूप लगा, ठंड हो रहा था ना. थोड़ा सनराइज का मज़ा लेते हैं. मैं अभी जंगू से निकल रहा हूँ ऊपर लिंकडिन के लिए, जो मेरा आंटी है, आंटी को मिलने के लिए. ये जो नीचे का रास्ता है ना, यहाँ से चुंगथांग वगैरह जाता है, जो आगे वाले ब्लॉक पे दिखा होगा. ये जो ऊपर का रास्ता है ना, यहाँ से लिंकडिन जो हॉट स्प्रिंग है ना यहाँ से, वो ये जो जंगू साइड से वहाँ का हॉट स्प्रिंग जाता है. मैं आप लोगों का एक जो जंगू में वो आज से 3-4 साल मतलब उससे भी ज़्यादा आगे एक बहुत बड़ा वो जो लैंड स्लाइड होगी यहाँ पे वो बना है ना लेक जैसा, वो भी दिखाऊंगा. 4 माइल बोलता है ना, इसी रास्ते से जाते हुए मिलता है वो. यहाँ पे है ना कार्पेटिंग किया हुआ है जो लिंगडेम का रास्ता है ना. जब मैं पहले वो ऊपर बाइक लेके आया था ना, तब मेरे पास वो KTM RC था. उस टाइम आते समय ऐसा रोड नहीं था, बहुत गड्ढा गड्ढा था ना. ये देखो अभी नीचे से ही थोड़ा ऊपर तक तो है कार्पेटिंग. चलो देखते कहाँ तक है कार्पेटिंग. वाह देखो कार्पेटिंग, कार्पेटिंग देखो. टायर एक साइड बहुत खींच रहा है यहाँ पर.
रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। यस्तो र यस्तो बाटो कहाँ छ भन्छ अझै? माथिसम्म नै छ, लिङ्गदेनसम्म। यो चौतारा छ नि, यहाँसम्म डल्लै छ यो चौतारा छ। अझ झन् माथि त कोनि झन् चढ्छ कि चढ्दैन माथिल्लो टर्निङ। हुन्छ यस्तो बाटो त निकै रहेछ नि होइन? देखो रास्ता, देखो रास्ता इतना ज़्यादा ख़त्म है ना, मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि इतना ज़्यादा कीचड़ है। मुझे तो बोला था रास्ता अच्छा ही है ना, पर यहाँ पे ना इतना ज़्यादा कीचड़ है, ऐसे ऊंचाई पे है ना। मैं आज कैंसिल कर रहा हूँ ऊपर जाने का प्लान, ऊपर मतलब लिंगदेम जाने का, क्योंकि है ना ऐसे विंटर में भी इतना ज़्यादा कीचड़ है। आप लोग ने देखा हुआ होगा, जो पीछे देखिए, हाँ ये देखो, ऐसे 2-3 किलोमीटर है ऐसे रास्ता। और ऊपर देखो, ये ऊपर देख पा रहे हो ना, ऐसा रास्ता है कीचड़। ये देखो शूज़ का हालत क्या होगा, टायर देखो कितना घिस गया। ऊपर तो बहुत है बोल रहा था ना, इसलिए बहुत डर लगा। जा तो पाऊँगा, जा तो सकते हैं, पर नीचे आते समय ना ब्रेक वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम होता ना, बहुत डर लगा, नहीं जाऊँगा। इस रोड ने ना मेरा हाल सच में पतला कर दिया। ये देखो पीछे, नीचे देखो, मेरा बूट देख रहे हो, ख़त्म कर दिया। शायद बहुत हंसी आ रहा है मेरे को सच में। उसके ऊपर ये हेलमेट भी गिर गया ना कीचड़ में। देखो स्कूटी कैसे जा रहा है, ख़त्म। सेल्फ काम करना बंद कर दिया, बस किक से ही चालू हो रहा है स्कूटी। स्कूटी को छोड़ो, मेरा खुद का भी। चलो मैं भी थोड़ा नीचे, ये जो है ना, ये जो रिवर के पास में जाके थोड़ा चिल करता हूँ। मर गया सर। खोला जाने पाने बाटो तो राम्रै होला है ना? मैं कंटेंट का वेट कर रहा हूँ। कैसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा गलत मत सोचो।
रुक लेता, इतना ज़्यादा पसीना आ गया ना, मुंह भी धोना है। चलो मैं आप सबको ये जो जंगू का एक खूबसूरत ये छोटा सा एक ब्रिज जैसा है मैं आपको दिखाऊंगा, छोटा सा तो नहीं, लगभग ये आधा किलोमीटर तक है, सो दिखाऊंगा, एंजॉय कीजिए। हाँ ये देख लीजिए, वाओ, मैं यहाँ पे आने के लिए तो मैंने मेरे दिमाग में आया ही नहीं है ना, शायद मेरा वो जो मैं ऊपर जा पाते तो लिंगडेम जा पाते तो नहीं आ पाऊँगा, नहीं आ पाते थे यहाँ पे, क्योंकि वो रास्ता ख़त्म था ना, इतना ख़त्म रास्ता था यहाँ पे ना, जो बाहर का टूरिस्ट इधर आते हैं ना उस टाइम तो वो करना पड़ेगा, वो लोगों को जंगू एंटर करने में परमिट बनाना पड़ता है। इतना मस्त दिख रहा है ना, ये देखो इतना लंबा है, लगभग आधा किलोमीटर है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मेरा गोप्रो का बैटरी ड्रेन हो गया, ड्रेन मतलब गोप्रो का बैटरी ख़त्म हो गया, मैंने दूसरा बैटरी नहीं लाया है ना, तो इसलिए आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।